मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कौसा में बिजली के खुले केबल से अब तक कई लोग झुलस चुके हैं। महावितरण की लापरवाही से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, मगर इसके बावजूद महावितरण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुंडेकरी की आंख नहीं खुल रही है। आज सुबह शरीफा रोड में केबल ब्लास्ट होने की वजह से सलीम मेंशन में रहने वाले 39 वर्षीय धर्मेंद्र चौधरी बुरी तरह से झुलस गए। धर्मेंद्र का एक पैर और एक हाथ झुलस गया है। नजदीकी डॉक्टर से इनका इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये केबल कई दिनों से खुला था और कई बार इसमें से चिंगारी और धुआं भी निकला। लोगों ने इसकी शिकायत महावितरण के अधिकारियों कर्मचारियों से कई बार की, मगर बात वहीं आकर रुक जाती है, महावितरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही। शिकायत मिलने के बाद भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुंडेकरी ने केबल मरम्मत नहीं करवाया, मगर आज हादसा होने के बाद उस केबल को रिपेयर किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या महावितरण के अधिकारी कर्मचारी हादसा होने का इंतजार करते हैं? इस हादसे में धर्मेंद्र की जान तो बच गई, मगर पैर और हाथ बुरी तरह से झुलस गए हैं। जगह जगह केबल सड़क पर खुले हैं, मगर महावितरण की लापरवाही इतनी बढ़ गई है कि खुद नगर सेवकों की शिकायत पर भी खुले केबल इलेक्ट्रिक बॉक्स को मरम्मत नहीं किया जा रहा है। तकरीबन 8 दिन पहले यहाँ केबल में प्रॉब्लम हुआ था, फोल्ड हुआ था। हम लोगों ने MSEB में कंप्लेन किया था, तो थोड़ा बहुत प्रोसीजर जैसा वो लोग हमेशा करते हैं वैसा करके चले गए थे। लेकिन यहाँ के ये एक्चुअली केबल में इतना बड़ा फोल्ड था कि केबल चेंज होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ नहीं। और जैसा कि पूरे शहर में आप देखेंगे घूम करके, अगर आप जहाँ भी जाएंगे तो केबल ओपन पड़े हुए हैं, ज्वाइंट है, ज्वाइंट खुला पड़ा हुआ है। बार बार शिकायत करने के बाद इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगे। ये लोग इंतज़ार करते हैं कि कोई शहर में हादसा हो, जब हादसा हो जाता है तब ये घरों वहाँ ऑफिस से निकल करके यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। उसकी वजह ये उसका एक एग्जांपल ये कि अभी कुछ दिन पहले शिरफाटा पे एक हादसा हो गया था। करीम खान साहब के रिश्तेदार थे, वो तार बार बार वो लोग कंप्लेन करते थे, नहीं हुआ, आखिर वो तार टूटा और बच्चे पे गिरा और बच्चे का इंतकाल। आज यहाँ पर एक धर्मेंद्र करके लड़का एक गाड़ी लगाता है बेचारा गुलाब पार्क में, रोजगार चलाता है, उसका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया। उसकी बीवी से मैंने अभी बात किया, इतना डिस्टर्ब है कि वो बात करने के लिए तैयार नहीं, इतना एग्रेसिव हो गई है। और होगी भी ना कि क्योंकि अगर उसकी जान चली गई होती तो क्या होता, इतनी बुरी तरह से जख्मी हो गया है। यहाँ 9:30 बजे यह हादसा पेश आया, और साफ बात यह है कि MSEB पूरी तरीके से भ्रष्ट है, चोर है, नाकारा है, थर्ड क्लास है, कोई काम पर ध्यान नहीं देती, एकदम फालतू लोग है ये। सिर्फ और सिर्फ जो रोड पर चोरी की लाइनें देते हैं, चोरी की लाइनें बेचते हैं, उनको बराबर संरक्षण देते हैं। ये जो केबल आज ब्लास्ट हुआ है, ये कितने दिनों से खराब था? ये 8 दिन कंप्लेन आप लोगों ने बात इंगुले हिसाब से बातचीत चालू है। ऊपर का तबका MSEB का थोड़ा सा ध्यान दिया है, लेकिन रिजल्ट जब जला तो आया है। इससे पहले कोई ध्यान देने नहीं आया था। MSEB का नीचे का तबका कंप्लेंट्स नहीं ले रहे हैं, ये हालत हो गई है। फोन ने उठा करके रख दिया, जल के पड़ा है, हफ्ता भर हुआ है, अब आ रहे तभी आ रहे, लाइन शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, उंडेकरी साहब भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं पड़ा। खराब चल रहा है, टोरेंट को ला करके यहां पर मुसल्लत करने का क्या, हमारे को आज और कोई काम नहीं करने का, आप टोरेंट के भरोसे बैठे हैं, टोरेंट आकर के काम करेगी, ये काम रुक, तुम क्या करेंगे, यहां झक मारेंगे, खाली पगार लेंगे क्या सब? अरे इनको तो इनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, और ऐसी FIR केस होना चाहिए कि इनकी बेल नहीं होनी मिलना चाहिए। जो भी ऑफिसर ये हिंगोले करके वो फोन ही नहीं उठाता, थर्ड क्लास है, कितनी भी कंप्लेन करो। मैंने अब्दुल्ला पटेल कॉलेज के गेट के बाद देखिए, 4,000 से 6,000 बच्चे वहाँ जाते हैं, एक डब्बा खुला पड़ा है, 2-2.5 साल हो गया कंप्लेन करके, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। हाँ, करता हूँ में किसको जिम्मेदारी नहीं? आप लोग यहाँ के नगर सेवक है, जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों के कंप्लेंट करने के बावजूद नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? MSEB और टोरेंट के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, टोरेंट आ रही है, ऐसा बोलना है MSEB का, MSEB ध्यान नहीं देता है। नीचे का तबका तो कंप्लेन ही नहीं ले रहा है, नीचे का तबका कंप्लेन नहीं ले रहा है। हुंडेकरी साहब जवाब दिए, लेकिन रिजल्ट कब हुआ? जब आज किसी का पैर जला तब। सुना आपने, ये नगर सेवक है, इनके शिकायत करने पर भी महावितरण के अधिकारी काम नहीं करते हैं। हादसे होने के बाद इनकी नींद खुलती है। वैसे तो सवाल ऐसे नगर सेवकों पर भी उठता है जो अपने वार्ड का काम ना करवा सकें और सिर्फ शिकायत की है कहकर अपना पल्ला झाड़ लें। तो जनता भी ऐसे नगर सेवकों से
क्या उम्मीद रखें। मुंब्रा कौसा में इसी तरह खुले हुए बॉक्स और केबल लोगों को मौत के दावत दे रहे हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।